नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को पवन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग सब्जेक्ट 12th के पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीतिक शास्त्र का पहला चैप्टर, ठीक है दोस्तों, स्केच ले लेते हैं। पहला चैप्टर जो है राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्याएं, राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्याएं से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। वैसे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जिनका बोर्ड परीक्षा 2024 में आने का काफी संभावना है दोस्तों, तो उन क्वेश्चन को आज करने वाले हम लोग। तो इसलिए वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको ये जो क्वेश्चन है वो याद हो जाए और इससे संबंधित जो भी टॉपिक आएगा उसको हम अच्छे से डिटेल में बताएंगे ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। जैसे कि मेरा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में विविधता में एकता किसने बताई? तो चलिए देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत में विविध जाति धर्म के लोग रहते हैं और ये सभी एक अदृश्य एकता रूपी धागे से बंधे हुए हैं। ये किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। देखिए आंसर भी सामने लिखा हुआ है, ठीक है, और ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आपको उसको ध्यान में रखना है। विविधता में एकता, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो 2017 में पूछा गया दोस्तों, राज्य के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो न्यायमूर्ति फजल थे, याद रखिएगा। उसके बाद संविधान ने किस भाषा को राज्य भाषा की दर्जा दिया है? तो आपको याद रखना है दोस्तों कि संविधान के द्वारा हिंदी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया था। इनको राष्ट्रभाषा के दर्जा दिए जाने की मांग उठती रही है और उठा भी था, ठीक है दोस्तों, लेकिन हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा अभी तक नहीं दिया गया है। हिंदी एक राज्य भाषा है, आपको याद रखना है। 16 और 18 में पूछा गया क्वेश्चन है, और अंग्रेजी कौन सा भाषा है? तो वह प्रशासनिक भाषा है, ठीक है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं उनको। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? 1920 में पूछा गया क्वेश्चन है, और जिन्ना ने किया, इनको किसने किया द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन? जिन्ना ने, और इसी सिद्धांत के तहत पाकिस्तान का मांग किया गया था और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। चलिए देखते हैं आप, ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? कौन सा समझौता है दोस्तों? ताशकंद समझौता, इसको आप ध्यान से समझिए आप लोग, ये 2016 में पूछा गया है, ठीक है ना। एक्चुअली हुआ क्या था, दूसरी बार पाकिस्तान 1965 में आक्रमण करता है, किसके लिए? बस कश्मीर के लिए। पहली बार आजादी के साथ ही आक्रमण करता है, दूसरी बार 1965 में आक्रमण करता है, तीसरी बार 1971 में आक्रमण करता है। 1965 में जब आक्रमण करा था तो उस समय, याद रखिएगा, उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां थे। कौन थे? अयूब खां, आपको याद रखना, अयूब खां थे, ठीक है ना, और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आपको याद रखना है, ठीक है ना, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है दोस्तों। तो ये अयूब खां और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री दोनों के बीच 1965 में आक्रमण करा और बुरी तरह से पाकिस्तान ही पराजित होता है, ठीक है ना, और पाकिस्तान के लाहौर क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया जाता है। तब जाके ये संधि होती है दोनों के बीच, ठीक है ना, 1966 में, और लाहौर के जिन क्षेत्रों को हिंदुस्तानी सेना मतलब अधिग्रहण कर लिया था उसको वापस कर दिया जाता है इसी संधि के तहत, और बात की जाती है कि हम लोग कश्मीर के समझौता को बातचीत से सुलझाएंगे, ठीक है ना, इसी संधि के तहत। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? आप लोग जानते होंगे, 17 और 19 में पूछा गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जाना जाता है, ठीक है ना, एकता का जो प्रतीक है, ठीक है ना, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे, आपको याद रखना। चलिए शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए? 1 मिनट, पहले ये क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम काटकर पहला राज्य कौन बना? तो ये 15 में पूछा गया है, और नागालैंड बना है, आपको ध्यान में रखना है। शिमला समझौता पर भारत की किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए हैं? तो आपको इसको ध्यान से समझिए, शिमला समझौता क्या है? तो जैसे कि हमने बताया आपको कि 1971 में पाकिस्तान तीसरी बार भारत पर आक्रमण करता है, हर बार पाकिस्तानी आक्रमण करता है और पराजित होकर वापस
चला जाता है, ठीक है दोस्तों, हार करके। तो 1971 में पाकिस्तान तीसरा बार भारत पे आक्रमण करता है, ठीक है दोस्तों। उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति भुट्टो साहब थे, कौन थे? भुट्टो। याद रखिए, ताशकंद समझौता के समय अयूब खां थे, और शिमला समझौता के समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति भुट्टो थे, कौन थे? भुट्टो, ठीक है दोस्तों। और तब जाके 1971 में तो आक्रमण करता है और हार होती है, और 1900 कब 71 में आक्रमण करता है, 1972 में जाकर के ये समझौता होती है, शिमला समझौता 1972 में होती है। किनके किनके बीच? तो भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच, आपको याद रखना है। चलिए, उसके बाद संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना, संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अच्छा, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वही अगर संघ समिति के अध्यक्ष के बारे में कहा जाए दोस्तों, तो संघ समिति का जो अध्यक्ष है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगर आपको पूछा जाए क्या चीज, कि प्रांतीय समिति के अध्यक्ष, कौन समिति के अध्यक्ष? प्रांतीय समिति के अध्यक्ष पूछा जाए, तो आपको याद रखना है दोस्तों, वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि 7 सदस्य वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के 7 सदस्य वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो आपको याद रखना भीमराव अंबेडकर। अब वही अगर पूछा जाए राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी, कौन थे? जेबी कृपलानी। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो आप इसको याद रख सकते हैं, सी राजगोपालाचारी। उसके भारत में कुल कितने राज्य है? 2019 में पूछा गया, 28 राज्य। कितने राज्य है दोस्तों? 28। चलिए नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना कब हुआ था? ये भी 2019 में पूछा गया है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना 1953 में हुआ है, और भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, आपको याद रखना है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सब लोग जानते हैं, जानते ही होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल। वही अगर बात पूछा जाए कि गृह मंत्री कौन थे, क्या पूछा जाए? गृह मंत्री कौन थे? तो आपको याद रखना है दोस्तों कि भारत के प्रथम गृह मंत्री जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, आप याद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1819 में पूछा गया, 1906 में हुआ है दोस्तों, 1906 में हुआ है। उसके बाद 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना होती है? तो आप जानते होंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना, ठीक है ना, 1885 ईस्वी में हुआ था। किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो आपको याद रखना है, भारत का संविधान ही विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है, ठीक है ना, और सबसे बड़ा संविधान भी है, आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन मेरा, किस राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किए? जैसे कि मैंने आपको थोड़ा देर पहले ही बताया था, अयूब खान। कौन है दोस्तों? अयूब खां है जो ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। और अयूब खां के बाद कौन बन जाते हैं राष्ट्रपति पाकिस्तान के? तो वो बनते हैं, याद रखिएगा, याहिया खां। कौन बनते हैं? याहिया खां। कौन बनते हैं? याहिया खां, ठीक है दोस्तों, याद रखना है, ठीक। यानी कि किनके बाद? अयूब खां के बाद, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो आपको याद रखना, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। एक्चुअली बन पहले ही गया था, 26 नवंबर 1949 को ही बना था संविधान, लेकिन उस दिन इसको लागू नहीं किया गया, ठीक है ना। ऐतिहासिक महत्व के कारण 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि किस ऐतिहासिक महत्व के कारण भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा दोस्तों, देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस पे हम, इस चीज पे, यानी इस प्रश्न पे हम लघु उत्तरीय प्रश्न जब करेंगे VVI, तो
तो उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसमें कमेंट में बताइए इसको। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो जैसे कि ऊपर अभी बताया गया था, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। उसके बाद शिमला समझौता कब हुआ है? तो शिमला समझौता आप लोग को पता है 1971 में पाकिस्तान तीसरी बार आक्रमण करता है, ठीक है, इंदिरा गांधी थे और भुट्टो थे, 1972 में समझौता हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे कि भारत के पहले गृह मंत्री जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कि उनसे एक्चुअली यहाँ पे गलती में टाइप हो गया है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया है, अब VBI ऑब सब्जेक्टिव यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आएंगे हम लोग, बहुत सारे प्रश्न है उसको करेंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अगर आर्ट्स का तैयारी कर रहे हैं, इंटर आर्ट्स का तैयारी कर रहे हैं तो कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट का अच्छे से डिटेल में वीडियो बना करके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और थ्योरी का मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बताइएगा कमेंट में कि क्या क्या मतलब समस्या है, ठीक है ना, उसके उस पर हम वीडियो बनाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।